एक स्टोरी है नाहो का लिकाई वाटरफॉल, किसी ने सुना है इसके बारे में तो बताइए। आई एम श्योर नहीं सुना होगा, मैं नाम लिख दे रहा हूं एक बार। नाहो का लिकाई वाटरफॉल, ये जो वाटरफॉल है, अभी अभी मैं आगे के कमेंट्स पे आता हूँ, पहले मैं इस वाटरफॉल को कवर कर लूँ फिर मैं बाकी कमेंट्स पे आता हूँ। ये जो वाटरफॉल है ये है मेघालय में, ठीक है जी। और ऐसा बोलते हैं कि ये वाटरफॉल हॉन्टेड है। हॉन्टेड इस तरह से है कि इस वाटरफॉल से अक्सर लोगों को एक औरत जो है वो दूर से कूद के सुसाइड करती हुई दिखाई देती, बट वहां पास जाके चेक करने पर कुछ नहीं होता। अब इसके इसके पीछे की जो बैक स्टोरी है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। तो नाहो का जो है वो शायद वहां का कोई लोकल वर्ड है, बट ये जो लिकाई है ना, नाहो का लिकाई, इसका जो लिकाई है ये जो है उसी औरत का नाम था जो सुसाइड करते हुए दिखाई पड़ती है। उस औरत का ही नाम था लिकाई, और इसी वजह से इसका नाम जो है नाहो का लिकाई वाटरफॉल पड़ा था। अब मैं आता हूं इसकी बैक स्टोरी पे। ये जो वाटरफॉल है यार, इसकी बैक स्टोरी बड़ी डिस्टर्बिंग है। कहेंगे इसकी वो जो औरत थी लिकाई नाम की, वो बहुत सुंदर थी, मतलब एक्सट्रीम सुंदर। और वो विडो थी और उसका एक बच्चा था, छोटा बेबी, तो 4-6 महीने का छोटा बेबी था। तो एक आदमी था क्या उसको, वो वैसे तो वो बहुत ही सुंदर थी, बट वो जो आदमी था उसका दिमाग उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही खराब था। एंड ही वॉज लाइक कि मुझे इससे शादी करनी है। उसने कैसे ना करके कुछ भी उसको मनाया लिकाई को शादी करने के लिए। और लिकाई ने उससे बोला कि ठीक है, मतलब तुम्हें मुझसे शादी करनी है कोई बात नहीं, बट तुम्हें मेरे बच्चे का ध्यान रखना। साथ में कहा हाँ ठीक है बिल्कुल ऑफ कोर्स, अब तो ये मेरा भी है, मेरा भी बच्चा है तो मैं ध्यान रखूंगा इसका। पर सीन कुछ और था, उस आदमी को वो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बेसिकली उसके अंदर ये फीलिंग थी कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी और का है, तो मैं इसका पालन पोषण क्यों करूं, और या फिर मैं इसको अपना नाम क्यों दूं, मैं इसको अपना बच्चा क्यों मानूं। उस आदमी ने क्या किया कि उस बच्चे को मार दिया, और मारने के बाद उसने उसे पका दिया। बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। उसने उसको पका कर, जैसे चिकन या मटन बनाते हैं उस तरीके से पकाया, और उसने वो अपनी बीवी को सर्व कर दिया। अब लिकाई को पता नहीं चला ये क्या है, ने खा लिया। और जब वो खा चुकी और खाने के बाद जब वो उठने लगी, तब उसको उस बर्तन में उस बच्चे की छोटी उंगली पड़ी हुई दिखाई, और वो बिल्कुल मतलब शैटर हो गई अंदर से। ना सिर्फ वो उस बच्चे के मरने से शैटर हो गई, बल्कि वो इस बात से भी शैटर हो गई कि मेरे बच्चे को ना सिर्फ मारा गया बल्कि उसे मुझे ही खिला दिया। इस बात से वो इतनी डिसगस्ट हो गई, वो उसको उसको खुद से इतनी घिन आने लगी कि उसने उस वो जो वाटरफॉल है वहां से, उससे पहले उस वाटरफॉल का कोई नाम नहीं हुआ करता था, इट यूज टू बी जस्ट अ वाटरफॉल नॉर्मल, वहां से कूद के सुसाइड कर लिया। और ऐसा कहते हैं कि उसकी जो तो सोल है वो अभी भी वहां पर भटकती है, और वो अक्सर लोगों को सुसाइड करते हुए दिखाई देती है। लोगों ने देखा है उसे सुसाइड करते हुए, बट वो जब देखते जाके तो वहां कुछ नहीं होता। दैट इज द स्टोरी ऑफ नाहो का लिकाई वाटरफॉल।
पलविंदर पलविंदर सर, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस कुछ ही लोगों को, विधु कह रही हैं नाहो मीन्स जंप, का मीन्स फीमेल, और लिकाई उसका, हाँ लिकाई उसका नाम हो गया, नाहो मीन्स कूदना और का मतलब फीमेल यानी कि औरत या लड़की, नाहो का लिकाई।